नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भिंड से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुरानी रंजिश में युवक के पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बीहड़ में ले जाकर बदमाशों ने मारपीट की है और मेहरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है पीड़ित। बता दें शैलेंद्र सिंह है पीड़ित का नाम। 5 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। 28 मई का ये वीडियो मारपीट का बताया जा रहा है। पीड़ित के मुताबिक जब वो थाने में शिकायत करने गया, तब पुलिस वालों ने दूसरे थाना क्षेत्र का मामला होने की बात कहकर उसे वापस लौटा दिया। युवक के मुताबिक घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसी थाने में मामला दर्ज नहीं हो सका है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर युवक की बेरहमी के साथ पिटाई की जा रही है, लेकिन पिटाई क्यों की गई है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लगातार मामले की जांच भी की जाएगी। ये देखिए किस तरह से बीहड़ में ले जाकर युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। लाठी डंडों से युवक के साथ मारपीट की गई। तस्वीर में देखा जा सकता है 3 अज्ञात युवक हैं जो कि मारपीट कर रहे हैं। इसी बीच मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया है। पिता पुत्र को घर से खींचकर लात घूसों से मारपीट की है। घटना का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 4 लोगों पर हालांकि मामला दर्ज कर लिया है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के उत्तमपुरा की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर हमला किया है और साथ ही पिता पुत्र को घर से बाहर खींचकर उनके साथ भी मारपीट की गई। और अब ये मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें मुरैना से हैं, जहां घटना का वीडियो भी सामने आ चुका। खबर जबलपुर से है, जहां का तांडव देखा गया है। गैस सिलेंडर में आग से हड़कंप मच गया है। रांची के विद्यानगर इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। जान बचाकर आसपास के लोग भागे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई है। तो आग का तांडव देखा गया है। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आग लगी है। रांची के विद्यानगर इलाके में अफरा तफरी का माहौल आग लगने के बाद देखा गया और आग लगने से घर में रखा सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। और आग लगने के बाद लोग अपनी जान बचाते हुए भागते नजर आए। तो जबलपुर में ये आग लगी थी। गैस सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और आग लगने के बाद हड़कंप देखा गया। मेरे सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमारिंदर, गैस सिलेंडर में आग लगी है, कब की घटना बताई जा रही है ये? देखिए कल शाम की ये घटना है। रांची इलाके में एक घर में जब खाना बन रहा था, उसी वक्त अचानक जो है गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से घर का कुछ सामान और उसके पास में रखी हुई वॉशिंग मशीन जो है वो जल गई। जब घर वालों ने इसकी सूचना दी तो आनंद फानंद में आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। किसी तरह लोगों ने पानी फेंकने की कोशिश की और तुरंत फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड जो है सूचना के तत्काल बाद वहां पर मौके पर पहुंची और किसी तरह आग को बुझाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि घर वालों ने, आसपास के लोगों ने जो है सिलेंडर बाहर निकाल लिया था, जिससे जो है बड़ी घटना होते होते बच गई, वरना ये सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता था, जैसे हादसा और भी बड़ा हो सकता था। हालांकि आग कैसे लगी है सिलेंडर में ये अब तक रहस्य बना हुआ है। उसी चीज की पूरी जांच कर रही कि आखिर आग किन कारणों से लगी है। जी, यानी घर वालों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर ग्वालियर से है, जहां लाठी डंडों से लैस होकर आए बदमाशों ने घर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने घर पर पत्थर भी फेंके और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। बदमाशों की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों की ये गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर गुंडागर्दी सामने आई है। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने एक घर पर हमला किया, पत्थर भी फेंके हैं और साथ ही बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर भी जमकर पत्थर बरसाए गए और तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि जो परिवार वाले हैं, जो घर वाले हैं, उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत करवाई है। आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है।
बद्रीनाथ धाम पहुंचे बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की सराहना भी की है। भक्तों ने बाबा बागेश्वर के साथ सेल्फी ली है। मंदिर समिति ने बाबा बागेश्वर का भव्य स्वागत किया है। तो बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं बाबा बागेश्वर, जहां पर भक्तों में भी खासा उत्साह उनको लेकर देखा गया, क्योंकि भक्तों ने बाबा के साथ सेल्फी ली है। लेकिन खास बात यह कि मंदिर समिति ने बाबा बागेश्वर का भव्य तरीके से स्वागत भी किया है। देखिए, बड़ी संख्या में सभी भक्त वहां पहुंचे और बाबा के साथ सेल्फी ली गई है। देखा जा सकता है कितनी बड़ी संख्या में भक्त वहां मौजूद रहे और साथ ही मंदिर समिति ने भी बाबा का भव्य स्वागत किया है। दरअसल बद्रीनाथ के बाबा ने दर्शन किए, लेकिन उसके साथ ही जो वहां पर मौजूद लोग थे उनमें भी बाबा बागेश्वर को लेकर खासा उत्साह जो है वो नजर आया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। नर नारायण भगवान की जय, विशाल भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। आप सामने गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं और ठीक सामने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आज हम आ गए हैं बड़ोदरा का दरबार पूर्ण करके बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने, इस पावन भूमि को प्रणाम करने। उत्तराखंड तीर्थों की भूमि है, देवों की भूमि है और बड़ा अद्भुत नजारा है। एकदम बर्फ है सामने, ये इस तरफ नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। नर नारायण आज भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। बढ़ते आगे, जेएमपी में हट सकती है तबादलों पर लगी रोक, नई तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी। अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग में भी तबादले हो सकते हैं। दस से 15 दिन के लिए तबादलों पर रोक हटाने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट बैठक में पेश हो सकता है तबादला नीति का मसौदा। तो एमपी में तबादलों पर लगी रोक हट सकती है। अगली कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खबर विदिशा से है, जो लटेरी में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया है। अहिरवार समाज ने 2 घंटे से हाईवे जाम कर रखा था। विजय सिंह अहिरवार की हत्या से नाराजगी देखी गई है। विशेष समुदाय पर हत्या का आरोप लगा है। मौके पर हालांकि पुलिस बल और एसडीएम निकिता तिवारी मौजूद रही। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। देखिए तस्वीरें, जब नेशनल हाईवे को जाम किया गया, लोगों में आक्रोश देखा गया है, लेकिन वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं पहुंचे और वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई थी। तो अहिरवार समाज ने करीब 2 घंटे से चक्का जाम किया हुआ था। समुदाय के एक शख्स पर हत्या करने का आरोप भी सामने आया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी समाज की ओर से की जा रही है। ये देखिए, बड़ी संख्या में सभी लोग इकट्ठा हुए और नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। तो विशेष समुदाय पर हत्या के आरोप भी सामने आए हैं, लेकिन वहां पर एसडीएम पहुंची और समझाने की कोशिश लोगों को की गई। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में गूंजा लव जिहाद का मुद्दा। प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों पर सीएम ने 2 टूक दे डाली है। एमपी में लव चलेगा लेकिन जिहाद नहीं चलेगा, ये सीएम की ओर से बड़ा बयान दिया गया। ऐसे लोगों को नस्त नाबूद कर दिया जाएगा, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 टूक बोली है और साथ ही चेतावनी भी साफ तौर पर दी गई है। तो लव जिहाद पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा बयान दिया है। ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में लव जिहाद का मुद्दा गूंजा। दरअसल कल ब्राह्मण समाज का शक्ति प्रदर्शन था। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे, लेकिन लव जिहाद का मुद्दा गूंजने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 टूक दे डाली। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे।
अब खबर जबलपुर से है, जहां लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बंटू खान नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर खुशबू ठाकुर नाम की युवती को 3 साल तक अपने साथ रखा, और जब युवती शादी करने का दबाव बनाने लगी तो युवक ने युवती को इतनी बुरी तरह से पीटा कि अस्पताल में 5 दिन तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस में इसे लेकर केस दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो प्यार के जाल में फंसाकर युवती की हत्या कर दी गई है। शादी के नाम पर युवती को 3 साल तक साथ रखा, लेकिन जब युवती ने शादी का दबाव बनाया उसके बाद युवक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और अब युवती की मौत हो गई है। हालांकि परिजनों ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। लगातार प्रस्तुत किया, उस तहरीर में जो कंटेंट है उसमें लिखे हुए हैं कि एक पेशेंट है जो दिनांक 27/5/2023 को मेडिकल कॉलेज जबलपुर में हेड इंजरी के कारण इलाज के लिए भर्ती हुई थी और वो इलाज के दौरान ठीक ना होकर आज उसकी डेथ हो गई है। उस सूचना पर थाना गढ़ा पुलिस में हम लोगों के द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और उस पर अब 100 पंचायतनामा कार्रवाई PM कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। तो युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो जमकर युवती की पिटाई की गई। हालांकि परिजनों ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मामले में खुलासे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया है। प्यार के जाल में फंसाकर युवक ने युवती की जान ले ली है। शादी के नाम पर युवती को 3 साल तक साथ रखा और उसके बाद युवती की मौत हो गई। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज झाबुआ के दौरे पर रहेंगे CM शिवराज सिंह चौहान। झाबुआ में लाडली बहनों से मुलाकात करेंगे CM। योजना के तहत महिलाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे और अलग अलग सामाजिक संगठनों से भी मुलाकात करेंगे CM शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 2 बजे झाबुआ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। तो झाबुआ जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो आज CM शिवराज सिंह चौहान झाबुआ के दौरे पर हैं। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें खुद CM शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और साथ ही सामाजिक संगठनों से भी मुलाकात की जाएगी। दोपहर 2 बजे झाबुआ पहुंचेंगे CM शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज CM शिवराज सिंह चौहान का झाबुआ दौरा किन मायनों में अहम है? मायने में अहम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा, और ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में जा चुके हैं और उसकी वजह यह है कि आज झाबुआ में रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। करीब दोपहर 2 बजे के आसपास वो वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद आदिवासी महिलाओं को लेकर एक कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे और सरकार की, जिसे सरकार मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देख रही है, गेम चेंजर के तौर पे देख रही है, लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अंदर जो पात्र महिलाएँ हों उनको नियुक्ति पत्र भी देंगे। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभी हम पिछले कई महीनों से देखें तो कहीं पर भी विश्राम, रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसी भी शहर में नहीं कर रहे हैं, लेकिन झाबुआ शहर चुना गया है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो कई सामाजिक संगठनों से वो मुलाकात करेंगे। और दौरा इसलिए दिलचस्प है और इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ मैं। 2018 की बात की जाए तो झाबुआ सीट की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां पर कांग्रेस का कब्जा है।
रहा है और अभी फिलहाल भी वहां पर कांग्रेस का कब्जा है। और पिछली बार की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी को काफी झटका लगा था और यही वजह थी कि आदिवासी वोट जब कांग्रेस के पास गए थे तो बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ा था 2018 के विधानसभा चुनाव में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोशिश यह है कि आदिवासियों के बीच जाया जाए, महिला वोटरों को आकर्षित किया जाए, बीजेपी की तरफ वापस रुख किया जाए, जैसे 2019 लोकसभा में हुआ था। और 2023 से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी पार्टी है वो आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी है। सीएम का बताया जा रहा है, शब्बीर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट्स ली जाएंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम का सीएम शुभारंभ करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करने वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम का वर्चुअल संबोधन भी होगा। प्रत्येक जिले के यूथ फॉर लाइव वॉलियंटर्स और अंकुर वॉलियंटर्स, आकाशीय और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ आम नागरिक भी वर्चुअल जुड़ेंगे। कार्यक्रम में ग्रीन सिटी रैंकिंग की भी घोषणा होगी। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कुछ खास सीएम के कार्यक्रम में होने वाला है? देखिए अलीशा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण प्रेमी है, ये हम सब जानते हैं, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और उसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज एक पौधा लगाते हैं और बाकायदा लोगों को भी ये प्रेरणा देते हैं, लोगों को भी ये समझाइश देते हैं कि अगर आने वाला भविष्य को आपको अच्छा रखना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो एक पौधा ज़रूर लगाए, क्योंकि जीवन में पेड़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ कटाई हो रही है लेकिन दूसरी तरफ पेड़ भी लगाना है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज एक पेड़ लगाते हैं और इसके साथ साथ लोगों से भी अपील करते हैं कि आपका जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, और उस दिन पेड़ लगाएं। और इन्हीं सबके बीच विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में सुबह 11 बजे होगा। यूथ फॉर लाइफ यानी युवाओं को आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। इसके अलावा पिछले करीब 15 दिन से एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, मिशन लाइफ। इसके तहत बताया जा रहा 70 लाख के करीब पौधे लगाए गए हैं और इसके अंदर जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको सम्मान भी दिया जाएगा। इसके अलावा राजधानी भोपाल हो या पूरे मध्य प्रदेश हो, ग्रीन भोपाल या ग्रीन मध्य प्रदेश करके एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके अंदर भी जो अच्छा कार्य करेगा उसको भी सम्मानित किया जाएगा। और ये पूरे कार्यक्रम जो भी हैं वो जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी दिखाया जाएगा और इसको लेकर लंबे समय से तैयारी की जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर आज बड़ा कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितने संवेदनशील है, एक बार फिर संदेश देने की भी यहां पर कोशिश की जा सकती है। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी। एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां घरेलू विवाद में भाई बना भाई का दुश्मन। बड़े भाई ने पेट्रोल डालकर छोटे भाई को आग लगा दी है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तिराजमपुरा थाना क्षेत्र के कांग्रेस नगर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। बड़े भाई ने पेट्रोल डालकर छोटे भाई को आग लगा दी है, जिसकी स्थिति समय गंभीर बताई जा रही है। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शब्बीर, इस पूरे मामले में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है विवाद की? देखिए, राजधानी भोपाल के टीला जमालपुरा कांग्रेस नगर की एक इलाका है पुराने शहर में, वहां की ये घटना है और कल देर रात की यह घटना है। बताया जा रहा है घरेलू विवाद की ये पूरा मामला था। शुरुआत में दोनों भाइयों के बीच में किसी छोटी सी बात को बहस हुआ और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने दूसरे भाई को गाड़ी में से पहले पेट्रोल निकाला और उसके बाद दूसरे भाई को उसके ऊपर छिड़काव किया यानी फेंका और उसके बाद आग लगा दी, जिसके कारण बताया जा रहा है हाथ और कई चेहरा भी झुलसा है। और जैसे ही ये घटना सामने आई है, परिजनों ने अस्पताल में जो घायल युवक है उसको भर्ती कराया। इसके अलावा पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और जो बताया जा रहा, जो हमारे पास जानकारी है कि आरोपी जो भाई है, वो युवक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि रिश्तों के खून करते हुए एक और घटना सामने आई है, जहां पर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक छोटे से विवाद में भाई ने भाई की जान लेने की कोशिश की है। अलीशा, लगातार मामले की जाँच भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
चलिए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। खबर विदिशा से है, जहां संदिग्ध हालात में मिली गाय मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने गौकशी की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। कार्रवाई ना होने पर चक्काजाम की चेतावनी भी दे डाली है। भालमा मोरा चौराहे के पठारी थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाय मिलने से हड़कंप देखा गया है, हालांकि लगातार मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने गौकशी की आशंका जताई है। खबर भोपाल से है, जहां परिवहन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल 5 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। 7 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। कैडर रिव्यू, वेतन विसंगति दूर करने की मांग लगातार की जा रही है। अनुपपुर परिवहन कार्यालय में कार्रवाई वापस लेने की भी मांग की गई है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल होने वाली है 5 जून, यानी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी कर्मचारी जाने वाले हैं। बता दें कि 7 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं। कान्हा नेशनल पार्क से बाघिन डीजे और उसके 3 शावकों का अटखेलियां करते वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे नजारे कान्हा नेशनल पार्क में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इस खूबसूरत नजारे को वहां पर मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। पर्यटकों द्वारा बनाया गया वीडियो अब वायरल तेजी के साथ, जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जहां ये नजारा सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल बाघ अपने शावकों के साथ अटखेलियां करता हुआ नजर आया। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।